मां दा दर्शा अति मां दा स्थान मनुख दी जिंदगी वी सब तों अहम हुंदा है। मां ही हुंदी है जो बचपन तों ही बच्चे लई असह अति अकै दुख सहारदी है अति अपने बच्चियां दी परवरिश विच कोई भी कमी नहीं छड़दी। अजिहे ही सन श्रीमती त्रिशला देवी जी। श्रीमती त्रिशला देवी हुणा ने अपनी जिंदगी विच न केवल चंगे संस्कार ही बच्चियां नूं दित्ते बल्कि उन्हां नूं सही सेध दे के समाज दे चंगे नागरिक बनाया जिस सदका आप जी दे बच्चे अज समाज विच अहम रखते हैं अपनी माता जी के पाए पोरनिया अनुसार चल के जिंदगी बसर कर रहे हैं। श्रीमती त्रिशला देवी जी परमात्मा विच अथाह विश्वास रखने वाली औरत सन उन्होंने अपने बच्चियां नूं भी अपने ही अपनाए मार्ग ते चलन की सिक्ख्या दिती। श्रीमती त्रिशला देवी हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वालों राम दरबार मंदिर किचलू नगर लुधियाना विखे करवाया गया जिस विच पंडित जी वालों जीवन मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे मार्ग दे चलन दा संदेश दिता। इस मौके वड्डी गिनती वी संगतां तों इलावा कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते कुछ शख्सियतां वल्लों श्रीमती त्रिशला देवी हुणां दे कीते कम्मां नूं याद करते हुए उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। जिन्होंने अपना सारा जीवन कहते हैं अपने गांव हिमाचल के अंदर ही ज्यादा समय उन्होंने वहां पर गुजारा है और वहां पर रहते हुए अपने बच्चों को एक संस्कार देकर के इस लुधियाना शहर के अंदर आकर के इन बच्चों ने उस मां के आशीर्वाद के द्वारा पिता के आशीर्वाद के द्वारा इस संसार के अंदर आकर के अपना नाम रोशन किया है। ये उस माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा ही आज संसार के अंदर सामाजिक क्षेत्र के अंदर धार्मिक क्षेत्र के अंदर ये परिवार बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है उस माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा यही कार्य रह जाते हैं संसार के अंदर आकर के। आजकल हम अपने बच्चों को हर चीज की सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन केवल अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। सब चीज देते हैं हम अपने बच्चों को लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे। लेकिन इस परिवार के अंदर आकर के ये बात मैंने देखी चाहे ये लुधियाना शहर के अंदर आकर के रहने लगी लेकिन माता जी के प्रति जो उन्होंने सारा कर्म करवाया वो हिमाचल शहर के अंदर जैसे कर्म होते हैं विधिवत विधि विधान के द्वारा ये परिवार के अंदर देखने के अंदर लगी। और माता जी जितने धार्मिक थे इस परिवार के अंदर आकर के बच्चों के साथ मिल करके पता चल जाता है कि उन माता जी का स्वभाव कैसा होगा संसार के प्रति और अपने परिवार के प्रति। क्योंकि जीव संसार से 100 वर्ष का होकर के चला जाए ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। जाने वाला कितना अच्छा जीवन व्यतीत करके गया है ये एक महत्वपूर्ण बात है। कबीर जी ने लिखा है अपनी वाणी के अंदर कबीरा जब तुम पैदा हुए जब हंसा तो रोए ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जब रोए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं शरीर क्यों पैदा होता है जाता क्यों है गीता बताया कर्मणा जायते जंतु कर्मणे वा विपद्यते
जीव जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है, पाप पुण्य करता है, वो सब के सब जीव के अंदर संचित होते हैं। उन कर्मों को भोगने के लिए शरीर मिलता है, और एक शरीर में जितने कर्म भोगने होते हैं वो भोगने के बाद वो शरीर छोड़ते हैं। हमारे इस शरीर के अंदर दो शरीर और हैं। ये जो आपको दिखता है शरीर, ये तो अग्नि में चला जाता है, फिर जन्म किसका होता है, दूसरी जगह कौन जाता है, इस बातों पर शास्त्र में बड़ा विचार किया है। आप लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ा है, सुना है, इसीलिए शरीर छोड़ने के बाद कुछ दिन इस प्रकार के ग्रंथ रखे जाते हैं जिनसे मनुष्य को कुछ जानकारी हो, कुछ ज्ञान हो। तो जन्म के बाद मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन प्रश्न ये होता है कि जब तक ये शरीर हमारे पास है, इस शरीर में चेतना है, हमारे पहले जन्म के किए गए पुण्य पाप इस शरीर में, तब तक हमें इस शरीर से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी बात को बताने के लिए अनेक शास्त्रों का जन्म है। खास करके हिंदू धर्म में वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक असंख्य शास्त्र हैं जिनको आज तक कोई गिन नहीं सका। तो माता जी जिस परिवार में आई थी, वो परिवार अपने आप में ऋषि परंपरा का परिवार था, और माता जी ने आकर के इस परिवार को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया, तो अपने संकल्प में पूर्ण हुई। हमारे यहाँ माता और पिता को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, लेकिन पिता से भी माता को ज्यादा माना गया। आप लोग देखते हैं राधा कृष्ण सीता राम गौरी शंकर कहते हैं, राम सीता को नहीं कहता, पहले माँ का नाम होता है फिर पिता का नाम होता है। तो माता और पिता ये दो समाज में ऐसे देवता हैं, सही पूछो तो आस्था के अनुसार ये ऐसे भगवान हैं जिनका ऋण संतान कभी चुका नहीं सकता। हमारे यहाँ माता तीर्थ, पिता तीर्थ और तीर्थ बड़ बांधवा, बचने बचने गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता, ये पांचों तीर्थ माने। तो पांचों में भी माता को पहला तीर्थ माने। माता जी के दर्शन करने का कई बार मौका मिला। माता जी अपने आप में पूर्ण, बच्चों की समृद्धि, बहुओं की सेवा, ये सब होने पर भी माता जी का अपना एक वर्चस्व था। अपने बात साफ कहती थी और बच्चों को आशीर्वाद हमेशा है। हमारी ऐसी परंपरा रही है, बूढ़ी माताएं कहती भी हैं भाई थोड़े दिन और जिंदा रहो ताकि पोते का विवाह देख ले। ये सौभाग्य माता जी को प्राप्त, उन्होंने अपने तीन चार पीढ़ी के बच्चों को आशीर्वाद दिया, और बच्चों ने भी माता जी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी।